नमस्कार, वीकेबी न्यूज के सुबह के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। घूर कर देखना पड़ा महंगा, कोतवाली पुलिस स्टेशन अंतर्गत हुई हत्या, चार आरोपी गिरफ्तार। चौदह चोरी के मामलों के फरार आरोपी को तहसील पुलिस ने किया गिरफ्तार, तीन दो पहिया वाहन किए गए जब्त। और शहर भर में 125 जगह पर हुआ सामूहिक झंडा गीत का आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। नागपुर के कोतवाली पुलिस स्टेशन के तहत एक हत्या का मामला सामने आया है, जहां एक युवक की हत्या मात्र इस कारण से की गई कि उसने हत्यारे को घूर के देख लिया। मृतक का नाम विकी रोकड़े बताया जा रहा है, जबकि मृतक विकी भी आपराधिक प्रवृत्ति का बताया जा रहा है, जिस पर चार संगीन मामले दर्ज थे। नागपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में सिर्फ इस बात पर युवक की हत्या कर दी गई कि उसने एक बदमाश को घूर कर देखा था। मृतक अजनी रेलवे क्वार्टर निवासी विक्की दामोदर रोकड़े बताया गया। पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जो भूतेश्वर नगर निवासी भूषण भूते व सारंग बावनकुले और शिवाजी नगर निवासी कृष्णा मोदेकर व शुभम मोंडे बताए गए। विक्की रेलवे को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी था। आपराधिक प्रवृत्ति को होने से उसे निलंबित कर दिया गया था। उस पर चार संगीन मामले दर्ज है। घटना रात करीब 11:30 बजे शिवाजी नगर सीमेंट रोड पर हुई। विक्की चारों आरोपियों और अपने दोस्त मुकेश वासनिक के साथ नंदाजी नगर में हल्दी कार्यक्रम में गया था। यहां किसी बात पर हुए मामूली विवाद में विक्की ने आरोपियों को घूर कर देखा। इसके बाद उनके बीच विवाद और बढ़ गया, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने जैसे तैसे मामला शांत करा दिया। जबकि रात 11:30 बजे फिर विक्की और हत्यारों के बीच शिवाजी नगर में तूतू मैमें हुई, जहां विक्की को अकेला देख आरोपियों ने हथियारों से हमला कर विक्की को लहूलुहान कर दिया, जिसके कारण विक्की ने थोड़े देर के बाद दम तोड़ दिया। सीसीटीवी रिकॉर्डिंग की गहन जांच और अपने विश्वस्त सूत्रों की मदद से तहसील पुलिस ने कई मामलों में वांछित चोर को धर दबोचा। आरोपी का नाम कोलबा स्वामी लाइब्रेरी के पीछे टिमकी निवासी सुरेंद्र उर्फ कल्लू लीलाधर होले बताया गया है। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर तीन दोपहिया वाहन समेत 60,500 रुपए का माल जब्त किया है। तहसील पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक कल्लू पर शहर के विभिन्न थानों में 14 मामले दर्ज है। इनमें से 10 मामले अकेले तहसील थाने में हैं, जबकि नंदनवन, लकड़गंज, अंबाजरी और हुडकेश्वर में एक एक मामला है। खास बात है कि इनमें से 6 मामलों में वह नाबालिग आरोपी है। तहसील पुलिस नाल साहब चौक से चुराई गए दो पहिया वाहन की जांच करते हुए कल्लू तक पहुंची। भांडेवाड़ी पारडी निवासी नागेश अमर सिंह सोनेकर ने 22 अगस्त को अपना दो पहिया वाहन सुबह करीब 9:30 बजे डॉक्टर फुलारे के दवाखाने के सामने शिल्पा मेडिकल स्टोर्स के पास खड़ा किया था। दोपहर करीब 2 बजे लौटने पर नागेश को अपना वाहन नहीं दिखाई दिया। आसपास तलाशने पर भी जब वाहन नहीं मिला तो तहसील पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। मामला दर्ज होते ही पुलिस ने जांच शुरू कर दी। नागेश की शिकायत के आधार पर परिसर के सारे चौराहों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के अलावा लोगों के घर लगे निजी कैमरों की भी रिकॉर्डिंग जांची गई। रिकॉर्डिंग में कल्लू से मिलता जुलता युवक चोरी करता दिखा। पुलिस ने अपने खबरियों को काम पर लगा दिया और संदेह सही साबित हुआ। कुछ ही दिनों में कल्लू को भी हिरासत में ले लिया गया। कड़ी पूछताछ में उसने नागेश के वाहन की चोरी की कबूली दी। अधिक सख्ती से पूछने पर उसने दो और दोपहिया वाहन चोरी की बात बताई। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर तीन दोपहिया वाहन समेत 60,500 रुपए का अन्य सामान भी जब्त किया गया। अधिक जांच में पता चला कि कल्लू सकरदरा के एक पान ठेले में चोरी के आरोप में फरार था। वही उस पर तहसील के अलावा अन्य थानों में भी मामले है। वह नाबालिग उम्र से ही चोरियां कर रहा है। पुलिस स्टेशन तहसील अंतर्गत नालसाब चौक में फिरियादी नागेश अमर सिंह सोनेकर उम्र 25 साल मुकाम पारडी एक कुछ मार्केटिंग के लिए आए थे। उन्होंने अपनी सुजुकी गाड़ी MH 49BD 4171 नालसाब चौक के रख के दुकान में गए। खरीदी करने के बाद जब उस जगह पर आए तो उनको गाड़ी दिखी नहीं। उसके रिपोर्ट पे पुलिस स्टेशन तहसील में अपराध नंबर 791
अब्लिक 21 कलम 379 आईपीसी के मुताबिक दर्ज किए। हमारे अधीनस्थ हमारे तपासी पथक एएसआई दुबे, हेड कांस्टेबल प्रदीप सोनटक्के और स्टाफ पेट्रोलिंग कर रहे थे, तब उनको कल पुराना पुलिस स्टेशन का रेकर्ड का गुन्हेगार जो कई वाहन चोरी में जिसका सहभाग था वो सुरेंद्र उर्फ कल्लू लीलाधर होले उम्र 20 साल कुलबा स्वामी वाचनालय के पास टिमकी है, उनको संशयास्पद स्थिति में मिला। उसके पास चोरी गई हुई सूजी की गाड़ी मिली जो तुरंत जब्त किए और उसको उस गुन्दे में अटक करके उसको पूछताछ करने के बाद पुलिस स्टेशन तहसील में अपराध नंबर 811/21 कलम 379 में एक एक्टिवा गाड़ी चोरी गई थी जिसका नंबर MH49W6283 था, वो उसने चोरी चुराए करके कबूल किया। साथ में ही उसने पुलिस स्टेशन यशवंत नगर की हद्दी में अपराध नंबर 26/2021 कलम 379 आईपीसी में दर्ज एक्टिवा गाड़ी MH49M0784 ये भी गाड़ी चुराने की वारदात कबूल किया। अभी तक आरोपी सुरेंद्र लीलाधर होले इसके पास से 3 गाड़ी जब्त किए जिसकी कीमत 60,500 रुपये है, और जबकि ये पुराना रिकॉर्ड दर्ज गुन्हेगार है इसको अभी अटक करके विद्यमान कोर्ट में पुटअप करके, और हमें होप है कि और गाड़ियाँ इनके पास से रिकवर होंगे। अभी फिलहाल पुलिस तपास चालू है, आरोपी पुलिस के अरेस्ट में है। नागपुर में रविवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस और श्यामलाल गुप्त पार्षद इनके जयंती पर शहर भर में 125 जगहों पर सामूहिक झंडा गीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने स्वतंत्रता के गौरवशाली इतिहास के जन जागृति होने का आह्वान करते हुए कार्यक्रम में हिस्सा लिया। स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव पर शहर में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत स्वतंत्रता के लिए बलिदान देने वालों के इतिहास को जन जन तक पहुंचाने के लिए रविवार को भी सामूहिक झंडा गीत गायन का आयोजन किया गया। श्यामलाल गुप्त पार्षद इनके द्वारा झंडा गीत लिखा गया था जो स्वतंत्रता की क्रांति जोत जलाने की अहम कड़ी थी। इस बात का इतिहास हमारी नई पीढ़ी को ज्ञात हो, इस बात को लेकर स्वतंत्रता झंडा गीत कार्यक्रम 125 जगहों पर आयोजित किया गया था, जिसमें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और महाराष्ट्र विधानसभा के नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी रही। कार्यकर्ताओं से मिलने रविवार को वंचित बहुजन आघाड़ी के संस्थापक एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर शहर पहुंचे हुए थे। इस दौरान ईडी और सीबीआई कार्रवाई पर एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर ने सवाल खड़े कर दिए। नागपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए प्रकाश अंबेडकर ने कहा कि फिलहाल वो स्वस्थ नहीं है, जब तक फिट नहीं हो जाते तब तक वो किसी भी तरह के पार्टी और चुनाव प्रचार का हिस्सा नहीं बनेंगे। वहीं नेताओं पर हो रही ईडी और सीबीआई कार्रवाई पर प्रकाश अंबेडकर ने कहा कि जिन नेताओं पर जो भी विभाग कार्रवाई कर रहा है उस कार्रवाई में क्या क्या हासिल हुआ इसे सार्वजनिक किया जाना चाहिए, ताकि जनता को अधिकार मिल सके कि वो उस नेता का साथ दे या नहीं। इतना ही नहीं, इन कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए प्रकाश अंबेडकर ने कहा कि वो अधिकारी ईडी के हो या सीबीआई के, सभी ने किसी पार्टी का अधिकारी नहीं तो निष्पक्ष अधिकारी के तौर पर अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। ते मी काही आढावा घेण्यासाठी आलेलो नाही, तर मी ऑन दी वे आहे मुंबईला, कार्यकर्त्यांना भेटावं, 4 महिने माझी असाची कार्यकर्त्यांची भेट झालेली नाही, त्याच्यामुळे मी असणारा भेट घेण्यासाठीच आलेलो आहे। पक्षातले असणारे जे सगळे निर्णय आहेत आता ह्याच्यामध्ये, मी अजून ॲक्टिवली बाहेर पडलेलो नाही आणि अजून 2-3 महिने तरी ॲक्टिवली बाहेर पडणार नाही अशी परिस्थिती आहे। तेव्हा महाराष्ट्राच्या वंचितच्या अध्यक्षा ज्या आहेत रेखाताई ठाकूर आणि त्यांच्याबरोबरची असणारी जी टीम आहे तेच आढावा घेतील आणि तीच निर्णय आणि उद्या कुणाबरोबर राजकीय समझोता करायचा न करायचा हा निर्णय त्यांचाच राहणार आहे। एका दुसऱ्या ठिकाणी प्रचाराला जायची वेळ आली या 2-3 महिन्यामध्ये तर मी त्या ठिकाणी जाईन। मेडिकली एकदा मी इक्विप झालो की मग मी बाहेर पडतो।
मी या सगळ्या एजन्सीच्या बाबतीत जे आहे आणि ते आज नाही अगोदरपासून म्हणत असतो की एकदा धाड टाकली की त्याची सगळी माहिती जनतेपुढे आली पाहिजे. लोकांना डिसाईड करू द्या की या नेत्याबरोबर राहायचं की न राहायचं. ज्या एजन्सी आहेत त्यांनी धाड घातलेली आहे, माझं आता म्हणणं आहे की त्यांच्यावरती बंधन आलं पाहिजे की कायद्याने टाकलेल्या 90 दिवस असेल किंवा अजून ग्रेसफुली 190 दिवस दिलेले आहेत त्यामध्ये त्यांनी FIR नोंदणी करून चार्जशीट दाखल केली पाहिजे आणि कोर्टापुढे ती असणारी केस चालली पाहिजे. जो कोण अधिकारी हे करणार नाही त्याच्यावरती लूटमारीचा फसवणुकीचा गुन्हे लावून त्याच्यावरती कारवाई झाली पाहिजे. अधिकाऱ्याला 100% सूट देण्यात आलेली आहे. नागपूर के संविधान चौक पर निर्मित किए गए संविधान प्रास्ताविका के शिलालेख संपूर्ण देशवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत होने का विश्वास केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जताया. मनपा की ओर से संविधान चौक पर संविधान प्रास्ताविका के शिलालेख का निर्माण किया गया. विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस, महापौर दयाशंकर तिवारी, विपक्ष नेता तानाजी वनवे आदि उपस्थित थे. गडकरी ने कहा कि देश को गौरव महसूस हो इस तरह का मनपा की ओर से किया गया है. भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के स्मारक के पास ही संविधान प्रास्ताविका का शिलालेख तैयार किया जाना यह स्वर्ण योग है. कुछ वर्षों पूर्व शहर के कुछ अधिकारियों ने भेंट की थी. अधिकारियों ने प्रत्येक कार्यालय में संविधान की प्रास्ताविका लगाने तथा उसका वाचन करने का अनुरोध किया था, जिसके बाद रविवार को संविधान चौक पर संविधान प्रास्ताविका शिलालेख का औपचारिक उद्घाटन किया गया. वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद. लव यू दीपिका, बाय. सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ. अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है. सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि. अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए. Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहाँ कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं. Flywheel Aviation Academy, 1 degree 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक, नागपुर. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. नागपुर तहसील पुलिस स्टेशन के अंतर्गत पेट्रोलिंग करते समय पुलिस ने 3 लुटेरों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है, जबकि 2 आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब हो गए हैं, जिनकी तलाश जारी है. ज्ञात हो कि इन दिनों शहर में अपराध का ग्राफ बढ़ते जा रहा है, जिसके चलते नागपुर शहर पुलिस ने कुछ संदिग्ध इलाकों में पेट्रोलिंग की गश्त बढ़ा दी है. इसी बात के मद्देनजर तहसील पुलिस ने गार्डलाइन परिसर में 3 आरोपियों को धर दबोचा है, जिसने पास से डकैती करने के औजार बरामद किए गए हैं, जबकि 2 आरोपी पुलिस की गिरफ्त से फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश जारी होने की जानकारी तहसील पुलिस ने दी है. कल दिनांक 16/10/21 को माननीय पुलिस आयुक्त सर ने शहर के सभी वरिष्ठ पुलिस निरीक्षकों को आदेश दिए कि बढ़ते गुनहगारी को रोकने के लिए क्रिमिनल लोगों को चेकिंग करो, क्रिमिनल एरिया में पेट्रोलिंग करो. माननीय पुलिस आयुक्त के आदेश के मुताबिक कल हम रात को 11-12 बजे के दरमियान पुलिस स्टेशन तहसील में अलग अलग पथक बना के पेट्रोलिंग कर रहे थे. तब API संदीप बागुल, PSI स्वप्निल वाघ और उनके स्टाफ गार्डलाइन की तरफ पेट्रोलिंग कर रहे थे.
तब गाइडलाइन बुक दे के बाजू में दरगे के बाजू में झाड़ी में अंधेरे में कुछ संशयास्पद हलचल हमारे पत्रक को दिखे। हमारे पत्रक ने व्हीकल्स वहीं रोक के उनको दबोच लिया। तब उनके पास उसमें आकाश मूलचंद अग्रवाल उम्र 34 साल टिमकी भानखेड़ा शेख अशरफ वलदत शेख हनीफ उम्र 30 साल आदर्श नगर गणेशपेट शेख अशरफ वलदत शेख जब्बार उम्र 42 साल मोमिनपुरा और दो लोग वहाँ से भागने में कामयाब हो गए अंधेरे का फ़ायदा लेते हुए। उसमें एक पुराना गुनहगार रिकॉर्ड दर्ज गुनहगार फैजान उर्फ राज कालिया गीतांजलि चौक उम्र 20 साल ये भी था और उसका दोस्त था। भगे हुए दो लोगों का पुलिस सर्च कर रही है। तीन लोगों को पुलिस स्टेशन में लाके उनके पास दरोड़ा के साहित्य मिले जिसमें नकाबपोश के सामान रस्सी चाकू तलवार गुप्ती और मिर्ची पैकेट मिले। वह सब जब्त करके एपीआई संदीप बांगू की रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी आकाश मूलचंद अग्रवाल शेख अशरफ शेख हनीफ और शेख अफरोज वल्द शेख जब्बार इनके ऊपर 399 402 34 425 आर्म एक्ट और कलम 135 मुंबई महाराष्ट्र पुलिस एक्ट के मुताबिक गुनाह दर्ज किए और उसमें फैजान उर्फ राज काले और उसके दोस्त को फरार घोषित किए हैं। पुलिस अभी इसकी जांच कर रही है कि ये कहाँ दरोड़ा डालने वाले थे। इस बारे में उनको अभी विद्यमान कोर्ट से उनका पीसीआर लेके जाएगा। सभी आरोपी नामदर्ज क्रिमिनल है रेखा के गुनहगार है और इनके ऊपर दरोड़ा के पहले भी गुन्ने दाखिल है। दरोड़ा चोरी और दुकापति के गुन्ने दाखिल है। इनका पीसीआर प्राप्त करके ये कहाँ दरोड़ा डाल रहे थे इसका तपास पुलिस करेगी। जिला परिषद उपचुनाव में काटोल में भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार करना कांग्रेस के प्रदेश महासचिव आशीष देशमुख पर भारी पड़ सकता है। प्रदेश कांग्रेस ने शनिवार को देशमुख को नोटिस जारी कर 7 दिनों में स्पष्टीकरण मांगा है। नागपुर जिला परिषद उपचुनाव में सावरगांव सर्कल में देशमुख द्वारा भाजपा उम्मीदवार का प्रचार करने का फोटो एवं वीडियो वायरल हुआ है। कांग्रेस के विभागीय बूथ समन्वयक प्रकाश वसु ने महाराष्ट्र प्रभारी एच के पाटिल प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले से इसकी शिकायत की थी। इस पर विदर्भ प्रभारी चंद्रकांत हंडोरे जांच समिति का गठन किया। इस जांच के लिए आए लेकिन आशीष देशमुख से मुलाकात नहीं हो सकी। उपचुनाव में सावरगांव की जगह भाजपा ने जीत ली, राकापा को हार मिली। प्रदेश कांग्रेस ने इस मामले को गंभीरता से लिया। पटोले के निर्देश पर प्रदेश सचिव देवानंद पवार ने देशमुख को नोटिस जारी किया। नोटिस में कहा गया है कि आपके द्वारा लगातार पार्टी विरोधी काम करने की शिकायतें लगातार मिल रही है, जिसका जवाब आशीष देशमुख को 7 दिन के भीतर देने का आदेश दिया गया है। रामटेक थाना अंतर्गत स्थानीय अपराध शाखा के पथक ने गश्त के दौरान मिली गुप्त जानकारी के आधार पर एक युवक को गिरफ्तार कर उसके पास से देशी कट्टा बरामद किया है। गिरफ्तार किया गया युवक वरुण ठाकुर मनसर वार्ड नंबर 3 भट्टा कटी पहाड़ी के पास रामटेक निवासी बताया जा रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक सूचना मिलते ही क्राइम ब्रांच की टीम मौजा नगरधन किले के पास पहुंची, जहां आरोपी वरुण ठाकुर ग्रे रंग की काले पट्टे की हाफ टी शर्ट पहने हुए दिखाई दिया। उससे पूछताछ करने पर उसने अपना नाम वरुण कुलदीप सिंह बीसेन ठाकुर 27 निवासी मनसर वार्ड नंबर 3 भट्टा कटी पहाड़ी के पास रामटेक बताया। तलाशी लेने पर उसकी कमर में बाई तरफ देशी कट्टा मिला। साथ ही उसकी जीन्स पैंट की जेब में एक जिंदा कारतूस भी पाया गया। उसके पास अवैध रूप से पिस्तौल रखने का कोई लाइसेंस नहीं था। पुलिस ने उसके पास से 10,000 रुपए कीमत का देसी कट्टा व जिंदा कारतूस कीमत 500 रुपए सहित कुल 10,500 रुपए का माल जब्त किया है। आरोपी के विरुद्ध थाना रामटेक में भादवी की धारा 325 दाखिल कर आगामी कार्रवाई के लिए रामटेक पुलिस स्टेशन के हवाले किया गया है। यह कार्रवाई नागपुर ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक विजय कुमार मगर अपर पुलिस अधीक्षक राहुल माकनीकर के मार्गदर्शन में व पुलिस निरीक्षक अनिल जिट्टावार के नेतृत्व में सपून अनिल राउत हवालदार विनोद काले ज्ञानेश्वर राउत अरविंद भगत शैलेश यादव प्रणय बनाफर वीरेंद्र नरड साहेबराव बहाले तथा रामटेक थाने के नितेश पीपरोदे उज्जवल कोर्ट की टीम ने पूर्ण की। खापरखेड़ा के दहेगांव रंगारी स्थित होटल एम्पायर ग्रिल फैमिली रेस्टोरेंट पर संचालित हुक्का पार्लर पर छापामार कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई स्थानीय अपराध शाखा की टीम ने शुक्रवार को की। पुलिस ने होटल के मालिक और मैनेजर को गिरफ्तार कर उनके पास से 12,100 रुपयों का माल जब्त किया है। हुक्का पार्लर पर कार्रवाई में गिरफ्तार लोगों में होटल मालिक नेहल संजय रामटेक मैनेजर
शक्ति कुमार फुलेलचंद शर्मा शामिल है। स्थानीय अपराध शाखा के पुलिस अधिकारियों को सूचना मिली थी कि नागपुर सावनेर भोपाल राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुछ होटलों में हुक्का पार्लर चलाए जा रहे हैं। इसके बाद टीम ने नकली ग्राहकों को खापरखेड़ा थाना की सीमा के अंतर्गत सावनेर के दहेगांव स्थित होटल एम्पायर ग्रिल फैमिली रेस्टोरेंट में भेजा। जैसे ही यह स्पष्ट हुआ कि वह हुक्का पार्लर चल रहा है, टीम ने छापेमारी की। उन्होंने होटल मालिक को गिरफ्तार किया। स्थानीय अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक अनिल जिट्टावार ने बताया कि कार्रवाई के हुक्का पार्लर से विदेशी शराब, बियर, हुक्का के बर्तन, हुक्का के पाइप, 3 अलग अलग तरह की प्रतिबंधित सुगंधित तंबाकू भी बरामद की गई है। सामग्री की कुल कीमत 12,100 रुपए थी। खापरखेड़ा पुलिस ने धारा 65E, 83, 84, सहकलम 4, 21, सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 सह धारा 33 के तहत मामला दर्ज किया है। नागपुर महानगर पालिका के चुनाव अब आने वाले हैं, जिसे देखते हुए सभी राजनीतिक दल अब सक्रिय हो गए हैं, जबकि जनता में अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए जोरों शोरों से प्रयास जारी है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी द्वारा विनकर अघाड़ी की कार्यकारिणी को घोषित किया गया। ज्ञात हो कि नागपुर महानगर पालिका चुनाव के मद्देनजर इन दिनों सभी राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी विनकर अघाड़ी द्वारा रविवार को एक कार्यक्रम लिया गया, जिसके तहत विनकर अघाड़ी मध्य नागपुर की कार्यकारिणी घोषित कर आगामी चुनाव के दिशा निर्देश भी दिए गए। कार्यक्रम में विधायक गिरीश व्यास की खास मौजूदगी रही। ये गरीबों की टीम है, हमारी जो टीम है ये काम करने वाली टीम है, ये मजदूर वर्गों की टीम है। आज इन्होंने ठान लिया तो आधार बनने में देर नहीं लगेगी। और हमारे साथ सिर्फ बुनकर नहीं है, हमारे साथ में कुमार जुड़ रहा है, हमारे साथ में चंद्रकर भाई जुड़ रहा है, हमारे साथ में जो अन्य जो हैंडवर्क और हार्डवर्क। तो वीकेबी न्यूज के सुबह के प्राइम टाइम में अब तक के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज। नमस्कार।